हेलो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ उत्कर्ष एंड आई एम कमलेश कुमार और आज मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ इन इन दिस स्पेशल वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द बेसिक बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी और ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भले वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भले वो ग्रेजुएशन में हैं भले वो पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं और उसके अलावा भले वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्यों ना हो उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत खास इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ़ स्टैंडर्ड टाइम अबाउट द वर्ल्ड इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जहाँ पे जी को डिसाइड किया गया था अबाउट रेलवे टाइम बॉम्बे टाइम कैलकटा टाइम बागान टाइम पोर्ट ब्लेयर टाइम डिफरेंट टाइम टाइम्स डिसाइडेड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड ऑल्सो अबाउट आई एस टी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विच वॉज एडोप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग बहुत नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला ये क्लास होने वाली है तो आपको जुड़ के रहना है और साथ में दो आप दो स्पेशल कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विच आर जी एम टी एंड यू टी सी एंड डे लाइट सेविंग टाइम जो हर बच्चे को हर कॉम्पिटिटर को जानना बहुत जरूरी है जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो स्कूल्स में है जो कॉलेजेस में हैं तो सभी के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे यूटी एक सक्सेसर है जीएम का यू में क्या स्पेशलिटी है जो जी में नहीं है डे लाइट सेविंग टाइम इंडिया को क्यों एडॉप्ट करना चाहिए ये भी हम लोग यहां पे बात करेंगे तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद फुल कॉन्फिडेंस फोकस कॉन्सेंट्रेशन ताकि हम सबका नॉलेज बढ़े हम सबके जो पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और नॉलेज बढ़ना बहुत जरूरी है तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जुड़ते रहिए और हम स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो विद द कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड टाइम सो एज यू कैन सी सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग सो इन 1878 इन द ईयर 1878 सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग हैड प्रपोज्ड हैड

फॉर बेटर मैनेजमेंट ये किसने दिया वर्ल्ड वाइड टाइम जोन सो हू वॉज हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड टाइम जोन्स इट इज सर सैन फॉर्ड फ्लैमिंग दैट्स वाई सर सैन फॉर्ड फ्लैमिंग इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैंडर्ड टाइम नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड टाइम जोन्स ये आपको ध्यान में रखना है द मैन हू गेव टाइम द मैन हू गेव टाइम वॉज सर सैन फॉर्ड फ्लैमिंग यह आपको ध्यान में रखना है, तो कौन से ईयर में दिया एटीन सेवनटी एट और इनका नाम क्या था सर सैन फॉर्ड फ्लैमिंग एंड आफ्टर सिक्स ईयर्स आफ्टर ही हैड परपोज हिज कॉन्सेप्ट अबाउट वर्ल्ड वाइड टाइम जोन्स वर्ल्ड इंटरनेशनल प्राइम मेरेडियन कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गनाइज एंड हीज परपोजल हीज आइडियाज वर एडोप्टेड और जिसको हम प्रजेंट वर्ल्ड में हम क्या बोलते हैं वर्ल्ड टाइम डिफरेंट टाइम जोन्स, स्टैंडर्ड टाइम लोकल टाइम प्राइम मेरेडियन जीएम टी एक्सेट्रा तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन थे जिन्होंने ये दिया था सर सेंड फॉर फ्लैमिंग इन 1878 ये आपको ध्यान में रखना है द मैन सो इन 1884 जैसा मैंने अभी आपको बोला आफ्टर सिक्स इन सर सेंड फॉर फ्लेमिंग हेड परपोज हिज आइडिया अबाउट द वर्ल्ड वाइड टाइम जोन दिस कॉन्फ्रेंस दिस इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन दर एटीन एटी फोर यह आपको ध्यान में रखना एंड द नेम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज नोट करना आप सभी बच्चे क्या कॉन्फ्रेंस का क्या नाम था इंटरनेशनल प्राइम मेरेडियन कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल प्राइम मेरेडियन कॉन्फ्रेंस दिस वॉज ऑर्गेनाइज इन एटीन एटी फोर कहां पर ऑर्गेनाइज हुए थे इन वॉशिंगटन डीसी कहां पे हुई थी वॉशिंगटन डीसी यूएसए ये आपको ध्यान में रखना है इन वॉशिंगटन डीसी यूएसए दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज और इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या था इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या था टू स्टाब्लिस्ड टू स्टाब्लिस्ड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड टाइम जोन्स टू इस्टिश वर्ल्ड वाइड टाइम जोन बट वर्ल्ड वाइड टाइम जोन को स्टाब्लिस करने के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था प्राइम मेरिडियन क्या था प्राइम मेरिडियन जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां से पास होगा वर्ल्ड में हम जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहां पे लोकेट करेंगे मार्क करेंगे तो इसीलिए इनका जो सेकेंड एजेंडा था वो था टू इस्टाब्लिस टू इस्टाब्लिस प्राइम मेरिडियन हमें पे ध्यान में रखना है इसलिए इसका नाम भी क्या कॉन्फ्रेंस का इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन ये हमें पे ध्यान में होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आई होप दिस इज क्लियर कि जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम कहां पे मेजर करेंगे कहां पे करेंगे एंड फाइनली एंड फाइनली जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड वॉज इस्टाब्लिस्ड वॉज इस्टाब्लिस्ड एंड इट पासेज थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच लंडन यूनाइटेड किंगडम तो ये जो जीएमटी है ग्रीन विच मीन टाइम जो जीएमटी का कॉन्सेप्ट है वो कौन से ईयर में आया 1884 कौन से ईयर में 1884 यू हैव टू रिमेंबर हम हमेशा ये भूल जाते हैं हम बस ये पढ़ते हैं यस जीएमटी मींस ग्रीन विच मीन टाइम बट जीएमटी का कॉन्सेप्ट कब आया किसने कॉन्सेप्ट दिया कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी क्या डिस्कशंस हुए थे ये भी हमें कंपटीशन के लिए और जो भी क्लासेज हैं उन सब के लिए जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है इसीलिए जीएमटी का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे बिकॉज जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीन विच लंडन यूनाइटेड किंगडम दैट्स वाई प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन विच मेन टाइम और यहीं से पूरे वर्ल्ड का टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिसफेयर तो ये में पता होना चाहिए ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर द नेक्स्ट वॉज वॉट अबाउट इंडिया हम वर्ल्ड की तो बात कर ली बट इंडिया में उस समय क्या हो रहा था तो उसके आसपास पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें यह भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है सो so इन 1792, सो so इन 1792, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड ऑब्जर्वेटरी एंड एंड ऑब्जर्वेटरी वॉज इस्टिस्ड वॉज इस्टाब्लिस्ड इन मद्रास कहाँ पे हुई थी मद्रास ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल और इस ऑब्जर्वेटरी का मेन जो मकसद था मेन जो ऑब्जेक्टिव था क्या था वो इट वॉज टू कैलकुलेट टाइम टू कैलकुलेट प्रेसाइज टाइम थ्रू डिफरेंट मेथड्स एंड दिस एंड दिस मद्रास ऑब्जर्वेटरी दिस मद्रास ऑब्जर्वेटरी वॉज इस्टाब्लिस्ड बाय माइकल टोपिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी आपको ध्यान में रखना है विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सो विच वॉज द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेटरी टाइम ऑब्जर्वेटरी नोट करना मैं क्या कह रहा हूं विच वॉज द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेटरी इस्टाब्लिश्ड इन इंडिया इट वॉज इन सेवनटीन नाइनटी टू बाई माइकल टॉपिंग हु वॉज ए सेलर एंड एस्ट्रोनॉमर एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेड इस्टाब्लिश दिस ऑब्जर्वेट्री तो आई होप दिस इज क्लियर और इसमें आपको किसी भी तरीके से डाउट नहीं होगा दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई टाइम ऑब्जर्वेटरी इस्टाब्लिश हुई थी तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो पर्टिकुलर यहां पर दे रखा है Pillar, वो शो करता है कि यस yes, कितना एंशियन पर्टिकुलर टाइम पीरियड था इससे पहले भी हम लोग सूर्य सिद्धांत अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे टाइम बट इट वाज द फर्स्ट टाइम कोई साइंटिफिकली साइंटिफिकली एंड ऑब्जर्वेटरी वाज इस्टाब्लिस्ड इन इंडिया एट मद्रास बाय माइकल टॉपिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली फाइनली इन एटीन जीरो टू फाइनली इन एटीन जीरो टू जॉन गोल्डिंग हम यह आपको ध्यान में रखना है जॉन गोल्डिंग हम जॉन गोल्डिंग हम वॉज द फर्स्ट जॉन गोल्डिंग हम वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर ऑफिशियल एस्ट्रोनॉमर ऑफिशियल एस्ट्रोनॉमर ऑफ द ब्रिटिश ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम यहां पे बात कर सकते हैं इंडिया इंडिया वहां पे उस समय इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फर्स्ट ऑफिशियल एस्ट्रोनॉमर थे वो उनका नाम क्या था जॉन गोल्डिंग हम एंड जॉन गोल्डिंग हम वॉज द फर्स्ट पर्सन वॉज द पर्सन हु हैड सेटअप हुटेब्लिस्ड the longitude of chennai the longitude longitude of chennai the longitudinal time of chennai was established was measured by whom john goldingham who was the first official astronomer of the british india company in india officially in india so he was the first astronomer and as you can see

and he was the first official he was the first official astronomer of British East India Company in India ये भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना ये जो particular map है वो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है और वो show कर रहा है कि यस हम किस तरीके से उन्होंने मद्रास की longitude को यहाँ पे measured किया था establish किया था scientifically scientific तरीके से the next is railway and standard time railway and standard तो ये हमें यहां पे ध्यान में रखना रेलवे स्टैंडर्ड टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है सो so, इन 1884 हम इस कॉन्सेप्ट भी भी आएंगे। इन 1884 ड्यूरिंग इंटरनेशनल ड्यूरिंग इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो अभी हमने पढ़ी थी यहां पे ड्यूरिंग इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन विच इज ऑल्सो नोन एज टी ग्रीन विच मीन टाइम वॉज सेलेक्टेड एज द ऑफिशियल टाइम फॉर द एंटायर वर्ल्ड ये मैं यहाँ पे ध्यान में रखना ऑफिशियल टाइम लाइन फॉर द एंटायर वर्ल्ड जिससे हम अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम को रेस्पेक्टिव कंट्रीज के हम मेजर्ड कर सकते थे तो इसीलिए 1884 में इंडिया इंडिया में भी दो टाइम जोन्स क्या हुए डेवलप हुए टू टाइम जोन्स डेवलप हुए इंडिया में मद्रास तो था ही मद्रास में क्या थी वहां पे मद्रास ऑब्जर्वेटरी ठीक है ये हमें यहां पे ध्यान में रखना तो इंडिया में टू टाइम जोन स्टैब्लिश हो गए द फर्स्ट टाइम जोन जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था कहां पे था बॉम्बे प्रेसिडेंसी दैट्स इट नोन एज बॉम्बे टाइम क्या टाइम था बॉम्बे टाइम ये हमें यहां पर ध्यान में रखना बॉम्बे टाइम एंड इट वॉज सेकेंड वॉज कैलकटा टाइम और ये कौन सा टाइम था कैलकटा टाइम ये हमें यहां पे पता होना चाहिए सो इन एटीन एटी फोर टू ऑफिशियल टू टाइम जोन वर इस्टिश इन इंडिया बॉम्बे एंड सेकेंड वॉज कैलकटा ये हमें यहां पर ध्यान में रखना इस तरीके से और आप यहां पर टाइम पीरियड देख रहे हो एटीन एटी फोर बट रेलवे वॉज इस्टाब्लिस्ड इन रेलवे वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन एटीन फिफ्टी थ्री एटीन फिफ्टी थ्री बिटवीन बॉम्बे टू थाने बिट्वीन बॉम्बे टू थाने यहाँ पे ध्यान में रखना है रेलवे स्टार्ट हुई फॉर थर्टी फोर किलोमीटर्स बॉम्बे टू थाने अब रेलवे के सामने सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी वॉट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियन रेलवे अगर इंडियन रेलवे बॉम्बे टाइम को फॉलो करेगी इंडियन रेलवे अगर बॉम्बे टाइम को फॉलो करेगी तो कैलकाटा टाइम क्या हो जाएगा वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा मिच मैच हो जाएगा हम हम बोल सकते हैं अगर इंडियन रेलवे कैलकाटा टाइम को फॉलो करेगी अगर इंडियन रेलवे कैलकाटा टाइम को फॉलो करेगी तो ये जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रेलवे एंड स्टैंडर्ड टाइम तो देन रेलवे फाइनली देन रेलवे फाइनली स्टार्टेड टू फॉलो वॉट वॉज कॉल्ड एज मद्रास टाइम वॉट वॉज कॉल्ड एज मद्रास टाइम तो रेलवे ने सोचा है कि भाई ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मुझे मद्रास टाइम को फॉलो करना चाहिए एज बिकॉज मद्रास वॉज मद्रास टाइम वॉज एन इंटरमीडिएट टाइम एन इंटरमीडिएट टाइम इंटरमीडिएट टाइम बिटवीन बिटवीन बॉम्बे एंड कलकत्ता बिटवीन बॉम्बे एंड कलकत्ता दैट्स वाई लेटर ऑन मद्रास टाइम वॉज नोन एज रेलवे टाइम क्या बोला गया मद्रास टाइम लेटर ऑन नोन एज रेलवे टाइम तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर वॉट वॉज रेलवे टाइम मद्रास टाइम वाई मद्रास टाइम वॉज सेलेक्टेड बाय रेलवे बिकॉज इट वॉज एन इंटरमीडिएट टाइम बिटवीन बॉम्बे एंड कैलकटा अब आप यहां पे देखो कितने टाइम जोन होंगे इंडिया में थ्री बॉम्बे रेलवे और मद्रास एंड थर्ड कलकत्ता टाइम देर वर थ्री टाइम जोन इन इंडिया एंड लेटर ऑन एक और टाइम जोन जोड़ा गया था नोन एज पोर्ट ब्लेयर टाइम जोन जिसकी भी हम यहां पे बात करेंगे इन डिटेल जुड़ते रहो इसी तरीके से अब यहां पे दे रखा देखो 1884 जो अभी हमने डिस्कशन किया सो so इन in 1884 इंडिया वुड हैव टू टाइम एटी इन टू डिफरेंट प्रेसिडेंसीज फर्स्ट वाज बॉम्बे एंड सेकेंड वाज कौन सा था कैलकता ये हमें ध्यान में रखना कोलकाता टाइम एंड बॉम्बे टाइम नाउ इट इज नोन एज मुंबई अर्लियर इट वॉज नोन एज बॉम्बे टाइम सो कैलका टाइम वॉज जी एम टी प्लस फाइव आर थर्टी मिनट जो अभी हमारा ऑफिशियल टाइम भी है आई एस टी का एंड कोलकाता टाइम वॉज जी एम टी प्लस फोर आर फिफ्टी मिनट्स इट मीन्स इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें दिस इज बॉम्बे एंड दिस इज कैलकाता सो so, हमें यहां पे ध्यान में रखना है कैलका वॉज यूजिंग द नाइन्टी एथ ईस्टर्न मैरिडियन किसको यूज कर रहा था कैलकटा 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड बॉम्बे वॉज यूजिंग बॉम्बे वॉज यूजिंग 75 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड इसीलिए दोनों का जो टाइम पीरियड था वो काफी दोनों का डिफरेंट था ये हमें ध्यान में रखना है दैट्स वाई रेलवे हैड स्टार्टेड टू फॉलो मद्रास टाइम कौन सा टाइम मद्रास टाइम तो आई होप दिस कॉन्प्ट इज क्लियर इट इज सो सिंपल लॉजिकल इसी तरीके से आपको यहां पे पढ़ते रहना रहना आपके कॉम्पिटिशन में और नॉर्मल जहां पे भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वहां पे भी बहुत ज्यादा आपके काम आएगा ठीक है ये मेरा पक्का विश्वास है तो आई होप दिस इज क्लियर ये हमें यहां पे ध्यान में रखना इस तरीके से सो लेटर ऑन एटीन एटीज लेटर ऑन एटीन एटीज रेलवे हैड स्टार्टेड टू फॉलो मद्रास टाइम अभी हमने डिस्कस किया वाई रेलवे हैड स्टार्टेड टू फॉलो मद्रास टाइम बिकॉज मद्रास टाइम मद्रास टाइम वॉज एंड इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट टाइम बिटवीन इंटरमीडिएट टाइम बिटवीन द बॉम्बे बिटवीन द बॉम्बे एंड कैलकत्ता टाइम्स ये हमें ध्यान में रखना बॉम्बे एंड कैलकत्ता टाइम तो इसीलिए इस मद्रास टाइम इसीलिए लेटर ऑन दैट्स वाई लेटर ऑन मद्रास टाइम लेटर ऑन मद्रास टाइम वॉज केम टू नोन एज वॉज ऑल्सो नोन एज रेलवे टाइम क्या बोलते हैं रेलवे टाइम तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई सा भी डाउट नहीं होगा इसीलिए एटीन एटीज टू रेलवे ने यह डिसाइड किया कि यस आई विल फॉलो मद्रास टाइम बिकॉज मद्रास इज एन इंटरमीडिएट टाइम बिटवीन बॉम्बे एंड कैलकटा और उससे कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा तो यह मैं आप पे ध्यान में रखना लेटर ऑन पोर्ट ब्लेयर टाइम लेटर ऑन पोर्ट ब्लेयर टाइम जोन वॉज ऑल्सो एस्टाब्लिस्ड इन अंडमान एंड निकोबार आईलैंड ग्रुप्स ये भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है एंड विच वॉज फोर्टी नाइन मिनट्स विच वॉज ये मद्रास टाइम से ये मद्रास टाइम से कितने टाइम आगे था मद्रास टाइम प्लस फोर्टी नाइन मिनट्स फिफ्टी वन सेकेंड कितना था फोर्टी नाइन मिनट्स फिफ्टी वन सेकेंड इट वॉज आई ऑफ मद्रास टाइम तो अब आप मुझे बताओ कैलकुलेट करके इंडिया में अब तक कितने टाइम जोन्स हो गए फर्स्ट बॉम्बे सेकेंड फर्स्ट बॉम्बे सेकेंड कैलकाटा थर्ड मद्रास और वी कैंड से रेलवे टाइम एंड फोर्थ वॉज पोर्ट ब्लैक टाइम दीज वार दौर मेन टाइम जोन्स वर इम्प्लीमेंटेड वर यूटिलाइज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको लगा कि यस्ट हम एक यूनिफाइड हमें एक स्टैंडर्डाइज टाइम को यहाँ पे मेजर करना चाहिए उसको मेंटेन करना चाहिए तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 1905 में डिसाइड किया कि यस वी शुड एडॉप्ट, वी शुड एडॉप्ट स्टैंडर्डाइज टाइम फॉर द एंटायर कंट्री स्टैंडर्डाइज टाइम फॉर द एंटायर कंट्री और फाइनली इट वाज एडॉप्टेड इन द ईयर 1906 ऑन फर्स्ट जनवरी 1906 ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हैड अडॉप्टेड ऑफिशियल स्टैंडर्डाइज टाइम फॉर द कंट्री विच पासिस थ्रू द ईस्ट ऑफ इलाहाबाद किसके ईस्ट ऑफ इलाहाबाद ये मैं यहां पे ध्यान में रखना बट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इवन आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ आई एस टी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बॉम्बे एंड कैलका वर फॉलोइंग देयर ओन टाइम वर फॉलोइंग देर ओन टाइम टिल नाइनटीन फोर्टी एट एंड नाइनटीन फिफ्टी फाइव रेस्पेक्टिवली इसका मतलब इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस देर वर देर वर थ्री टाइम जोन्स कितने टाइम जोन्स थे थ्री टाइम जोन्स फर्स्ट वॉज आई एस टी हम पढ़ेंगे अभी अबाउट आई एस टी सेकेंड वॉज बॉम्बे टाइम एंड थर्ड वॉज कैलकाटा टाइम बॉम्बे टाइम जो है यहाँ पे दे रखा है बॉम्बे जो टाइम है वो 1955 तक रहा और कैलकटा टाइम रहा नाइनटीन तक ये में ध्यान में रखना तो ये भी आपके लिए कॉम्पिटिशन के हिसाब से और जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस आईएसटी के अलावा भी दो ऐसे प्रोविजंस थे दो ऐसे एरियाज थे जो अपने खुद के टाइम्स को फॉलो कर रहे थे बॉम्बे एंड कैलकटा ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ

फॉर द एंटायर कंट्री फॉर द एंटायर कंट्री ये में आप ध्यान में रखना फॉर द एंटायर कंट्री दिस टाइम वॉज एडॉप्टेड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वॉज एडॉप्टेड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द लाइन पासिस थ्रू एंड द लाइन पासेज थ्रू मिर्जापुर मिर्जापुर इन यूपी मिर्जापुर एंड यूपी

ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर इसमें किसी भी तरह का देखो कोई सा भी डाउट नहीं होगा मैंने बोला है इंटरेस्टिंग वे में जुड़े रहो इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है यहां से तो आई होप दिस इज क्लियर वेन वॉज द आई एस टी एडोप्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द ऑफिशियल टाइम फॉर द एंटायर कंट्री फर्स्ट सेप्टेंबर नाइनटीन फोर्टी सेवन एंड ऑल्सो मद्रास ऑब्जर्वेटरी वॉज ऑल्सो मूवड शिफ्टेड टू मिर्जापुर ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहां पे दे रखा है जीएमटी इन यूटीसी बट बिफोर जीएमटी इन यूटीसी मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं एक कॉन्सेप्ट विच इज टाइम कीपर टाइम कीपर ऑफ द कंट्री ऑफ द कंट्री ये में यहां पे ध्यान में रखना है टाइम कीपर ऑफ द कंट्री विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज टाइम कीपर ऑफ द कंट्री आप बता सकते हो कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हम टाइम कीपर ऑफ द कंट्री बोलते हैं बेटा ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइम कीपर ऑफ द कंट्री है यस yes, जो एटॉमिक क्लॉक को यूटिलाइज करता है किसको यूटिलाइज करता है फाइव सीजीएम एटॉमिक क्लॉक टू मेजर स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया टू मेजर स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया ये हमें पे ध्यान में रखना स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इट इज एनपीएल क्या बोलते हैं आईपीएल की तरह एनपीएल एनपीएल मीन्स नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी किसकी हम बात कर रहे हैं नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एंड आई होप दिस इज क्लियर इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई सा भी डाउट नहीं होगा एनपीएल इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली यह आपको ध्यान में रखना है एनपीएल इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सी एस आई आर किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है सी एस आई आर आई होप दिस इज क्लियर सो सी एस आई आर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड इन दिल्ली इज नोन एज द ऑफिशियल टाइम कीपर ऑफ द कंट्री सो दिस ऑर्गेनाइजेशन विद्प ऑफ फाइव सीजम एटॉमिक क्लॉक्स मेंटेन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया दैट्स वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज टाइम कीपर ऑफ द कंट्री आई होप दिस इज क्लियर आपको इसमें किसी भी तरीके से कोई सा भी डाउट नहीं होगा नाउ वी विल स्टडी अबाउट जीएमटी एंड यूटीसी नाउ वी विल स्टडी अबाउट जीएमटी एंड यूटीसी जीएमटी एंड यूटीसी सो जीएमटी वॉज एडॉप्टेड जीएमटी वॉज एडॉप्टेड इन एटीन एटी फोर ड्यूरिंग इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस अभी हमने पढ़ा सो इट वॉज एडॉप्टेड इन एटीन एटी फोर ड्यूरिंग इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस यह मैं आप ध्यान में रखना है इस तरीके से पर्टिकुलर जो पार्ट है कहां से पास होती है रॉयल ऑब्जर्वेटरी रॉयल रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीन विच दैट इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन विच मीन टाइम क्या बोलते हैं इसको ग्रीन विच मीन टाइम हमें यहां पर ध्यान में रखना है इस तरीके से सो लेटर ऑन यूटीसी वॉज ऑल्सो डेवलप सो वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीसी हम यूटीसी क्यों पढ़ते हैं ठीक है इस तरीके से सो यूटीसी इज यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम इन ब्रीफ इट इज ऑल्सो नोन एज इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो नोन एज यूटीसी क्या बोलते हैं तो so, यह भी आपको ध्यान में रखना इन शॉर्ट इट इज नोन एज यू टी सी यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम एंड ऑफिशियली इट वॉज एडॉप्टेड इन दर नाइनटीन सेवनटी टू नाइनटीन सेवनटी टू एंड इट इज द सक्सेसर इट इज द सक्सेसर ऑफ जी एम टी नोट डाउन दिस पॉइंट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज द सक्सेसर ऑफ जीएमटी आजकल अगर आप कोई एप्पल आईफोन कोई पर्टिकुलर जो स्मार्टफोन अगर आप परचेज करते हो स्मार्ट वॉच अगर आप परचेज करते हो तो पहले जब हम उसमें टाइम सेटअप सेट करते थे अकॉर्डिंग टू इंडिया तो उसमें आता था जी एम टी प्लस फाइव आर थर्टी मिनट्स क्या आता था जी एम टी प्लस फाइव आर थर्टी मिनट्स बट आजकल अगर आप अपने मोबाइल में स्मार्टफोन में स्मार्ट वॉच में अगर अपना टाइम सेटअप करोगे तो उसमें आता है यू टी सी प्लस फाइव आर थर्टी मिनट्स UTC मुंबई दिल्ली चेन्नई एक्सेट्रा जो भी पर्टिकुलर होता है. UTC है तो आपको बेटा एक एक टर्म पे वॉट इज यू टी सी वॉट इज जीएम बिटवीन यू टी सी एंड जीएमटी ये तो हमने यहां पे देख लिया इट वॉज एडॉप्टेड इन दर नाइनटीन सेवन टू इट इज नोन एज दी एम टी किसका सक्सेसर है जीएमटी का ऑफिशियली एंटायर कम्युनिटी एंटायर वर्ल्ड जो है उन्होंने किसको एडॉप्ट कर लिया है यूटीसी को यह ध्यान में रखना सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ यूटीसी यूटीसी इज बेस्ड ऑन एटॉमिक क्लॉक्स एटॉमिक क्लॉक्स ये ध्यान में रखना है विच मेजर्स द टाइम वेरी प्रेसाइसली जो टाइम को बहुत प्रिसाइस तरीके से मेजर करते हैं दैट्स वाई यूटीसी इज बेस्ड ऑन एटोमिक क्लॉक जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह में ध्यान में रखना है। एंड सेकेंड इट ऑल्सो कंसिडर्ड इट ऑल्सो कंसिडर्ड द एडिशन ऑफ लीप सेकेंड इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए लीप सेकेंड ये ध्यान में रखना लीप सेकेंड अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो हो रही है नाउ अर्थ इज टेकिंग मोर टाइम देन द अर्लियर तो उसको हम क्या बोलते हैं लीप सेकेंड और जब हम लीप सेकेंड को इसमें एड करते हैं यूटीसी में तो प्रिसाइस टाइम मेजरमेंट मिलेगा दैट्स वाई यूटीसी दैट्स वाई यूटीसी इज हाईली अपडेटेड देन द आई देन द जीएमटी ये आपको नोट करना है क्योंकि जीएमटी में क्योंकि जीएमटी में हम लोग एटॉमिक क्लॉक को यूज नहीं करते हैं GMT में हम लोग लीप सेकेंड के कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं लीप सेकेंड पे आप चिंता मत करो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें जिसमें मैं आपके लिए बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं ठीक है गोल्डी लॉक जोन हो गया टाइडल लॉक हो गया तो वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आप चिंता मत करो बस आप ऐसे जुड़ते रहो और आप खुद भी रिसर्च करो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे

गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश इज एप्रोक्स थर्टी एप्रोक्स थर्टी डिग्री लॉन्गिट्यूड कितना है थर्टी डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड एज वी नो देर इज ए टाइम डिफरेंस ऑफ फोर मिनट्स देर इज ए टाइम डिफरेंस ऑफ फोर मिनट्स बिटवीन बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स सो इफ वी मल्टीप्लाई इफ वी मल्टीप्लाई थर्टी लॉन्गिट्यूड बाई फोर मिनट वी विल गेट अराउंड वन हंड्रेड ट्वेंटी मिनट और वन हंड्रेड ट्वेंटी मिनट्स मीन्स टू आर्ट्स सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल एंड गुजरात इज ऑफ टू आर्ट्स इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन दिए जाते हैं इंडिया शुड हैव मोर देन वन आईएस टी उसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वाई इंडिया शुड हैव मोर देन वन आई एस टी प्लानिंग कमीशन ने 2006 में क्या बोला था एनपीएल ने क्या बोला था व्हाट विल बी द दिट चैलेंजेस ये सब हम करेंगे तो ये टू आर्ट्स का है. अब डे लाइफ जो सेविंग टाइम है उसका मतलब होता है एडवांसिंग एडवांसिंग क्लॉक टाइम टू मैक्सिमाइज टू मैक्सिमम यू हाँ क्लॉक टाइम मैं यहां पे लिख देता हूं इट रेफर्स टू एडवांसिंग क्लॉक टाइम एडवांसिंग क्लॉक टाइम टू यूटिलाइज maximum डे और सनलाइट तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है ये आपको ध्यान में रखना डे और सनलाइट ये हमें ध्यान में रखना इस तरीके से इसका मतलब अगर अरुणाचल में अरुणाचल में फोर ए एम पे सनराइज़ हो रहा है तो गुजरात में सिक्स ए एम पे होगा होगा कि नहीं होगा बड़ा सिंपल सा अब हम इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे अरुणाचल के लोगों को हम बोलेंगे कि अपनी दो घंटे दो आर अपनी घड़ी को एडवांस करना है क्या करना है एडवांस करना है टू इसका मतलब जब वो किसी दिन उठेंगे डे वन उठेंगे डे वन तो एक्चुअल टाइम कितना हो रखा होगा एक्चुअल टाइम कितना हो रखा होगा चार बज रहे होंगे सुबह के बट उनकी जो क्लॉक है क्लॉक कितने टाइम बताएगी सिक्स एम कितना बताएगी सिक्स एम इसका मतलब पहले वो दो घंटे जो उनकी सनलाइट वेस्ट हो रही थी अब वो वेस्ट नहीं होगी उन्होंने दो घंटे अपनी घड़ी का टाइम आगे कर दिया तो नेक्स्ट डे जब वो उठेंगे तो एक्चुअल टाइम तो हो रहा है फोर ए एम बट उनकी घड़ी कितना टाइम बताएगी सिक्स ए एम दिस इज नोन एज डे लाइट सेविंग टाइम डे लाइट सेविंग टाइम और इसको यूटिलाइज करके हम सनलाइट को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं एंड दिस कॉन्सेप्ट इज हाईली यूटिलाइज इन यूरोपियन कंट्रीज ये ध्यान में रखना है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज भी इसको क्या कर रही है यूटिलाइज कर रही है एंड इंडिया इंडिया हैड ब्रीफली ब्रीफली इंप्लीमेंटेड इंप्लीमेंटेड दिस कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड दिस कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग फर्स्ट नाइनटीन सिक्सटी टू इंडो चाइना वॉर इसमें हमने क्या किया था ऑब्जर्व किया था किसको डे लाइफ सेविंग टाइम को सेकेंड नाइनटीन सिक्सटी फाइव इंडो पाक वॉर इसमें भी हमने किया था और थर्ड 1971 इंडो अगेन इंडो पाक वॉर ड्यूरिंग बांग्लादेश क्राइसिस तो इंडिया ने तीन जो अलग अलग इवेंट थे उसमें ऑब्जर्व किया था ये आपको पता रहना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से और इंडिया शुड मेरा मेरी एडवाइस ये है कि इंडिया शुड अडोप्ट दिस कॉन्सेप्ट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट इन द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी कमेंट जरूर करना शेयर जरूर करना सब्सक्राइब जरूर करना और ये भी मुझे बताना मैं आपके लिए और वीडियो लेके आ रहा हूं अलग अलग टॉपिक्स पे जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस भी किए और कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना कि कौन से कॉन्सेप्ट पे अगला वीडियो आना चाहिए इसी तरीके से जुड़ते रहो मैं कमलेश कुमार आपसे विदा ले रहा हूं ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेष उत्कर्ष के साथ आपको जुड़ के रहना है बाय